आरोग्यम एक्यूप्रेशर क्लिनिक वैशाली नगर जयपुर में हम आए हैं और आपको बच्चों के इंटरव्यू तो हम दिखाते हैं, लेकिन यहाँ एक जो इंटरव्यू हमारा है वो इस तरीके का है कि डॉक्टर खुद ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, एक्यूप्रेशर के थेरेपिस्ट हैं वो सीधा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, केवल 3 दिन की एक ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग लेकर माँ अपने घर पर जाकर अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही है और उसके बाद में जो रिज़ल्ट मिला है वो रिज़ल्ट इतना शानदार है और ये इतने खुश हैं कि मतलब बच्चे का जो टीचर जो इनको एडमिशन नहीं दे रही थी वो आज इनको एडमिशन दे रही है, स्कूल में जो है इस बच्चे को एडमिशन मिल चुका है। तो मतलब इतनी खुशी, केवल एक माँ ने अपने बच्चे को डॉक्टर के रूप में जो ट्रीटमेंट दिया, क्या था, केवल एक मैग्नेट बांधना है, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ बातें हैं, कुछ नर्व सिस्टम दबाना है, बस इतना ही सीख कर इन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली और अपने घर पर ही ट्रीटमेंट किया। तो अब हमारे साथ जो है इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे। जी बेटे का क्या नाम है? शिवांश। शिवांश, शिवांश श्रीवास्तव जी। कहाँ से हैं? फैजाबाद से। फैजाबाद जी। तो शिवांश को सीपी की प्रॉब्लम थी, ये कब पता चला? सर ये 2 साल पे हम लोगों को बचा। 2 साल का था तब? हाँ तब ये पता चला। अभी क्या उम्र है इसकी? इसकी उम्र 5 साल है। 5 साल। तो 2 साल की उम्र में आपको पता चला, ट्रीटमेंट भी कहीं लिया होगा, कहाँ से लिया? शुरुआत ऐसा था कि हम मऊ में सर्विस करते थे जी, वहाँ पे जो है इसको जो है हल्का सा झटका टाइप का आया। अच्छा। तो वहाँ एक जो है डॉक्टर साथ हैं उनके पास लेकर गए तो वहीं से मालूम हुआ था। हाँ सर, वो सीपी है। फिर हम लोग सीपी के बारे में नहीं जानते थे, ये सीपी क्या होता है। अच्छा। फिर ये चलता तो था लेकिन शरीर का बैलेंस नहीं था, ये सर खड़ा नहीं हो पाता था अपने आप में। अच्छा। बोलता भी नहीं था। अच्छा। फिर हम लोगों ने बहुत इलाज करवाया तो कुछ तो सही इलाज भी नहीं मिला, दवा भी रिएक्शन कर दी जिस पे शरीर पे साइड इफेक्ट भी कर दिया। अच्छा। फिर सर जब ये 3-4 साल का हुआ तो फिर यूट्यूब पे मैंने आपका वीडियो देखा जी। फिर मैंने आपका वीडियो देख के दिसंबर में मैं यहाँ पे आई थी, 24 दिसंबर को, तब से यहाँ से भैया इलाज कर रहे हैं, तब से मेरे बच्चे में कह सकते हैं 90% सुधार आ गया है सर। अच्छा। सर ये खड़ा हो रहा है? सर ये खड़ा होता है सर, अपने आप टॉयलेट पॉटी चला जाता है। अच्छा। नमस्ते करता है, बाथरूम बताता है, ओ ये पूरा वाक्य भी सर बोलने लगा है। अच्छा। और सर इसके जो घुटने थे हाँ। एकदम पीछे चले जाते थे इसकी। अच्छा। जो हड्डियाँ इतनी थी पीछे की तरफ। अच्छा, बैलेंस। हाँ भैया ने पॉइंट द्वारा ये सब पूरा पैर इसको सही आकार दिया। अच्छा। आज हमारा बच्चा भी तो थोड़ा नींद में है। हाँ, हाँ, अभी अभी उठ के आया है। हाँ थोड़ा देखो, अभी बात करना चाहता है मोबाइल पे। हाँ, हाँ, एक्टिव और ये इतना एक्टिव है सर कि घर पूरा दिन दौड़ता रहता है। ये बात करो, पूरा दिन घर पे जो है दौड़ता रहता है, खेलता, पूरा वाक्य बोलता, पढ़ने भी लगा, एडमिशन भी सर इसका हो गया। अच्छा, एडमिशन हो गया जी सर। चलिए, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है अभी? सर अभी तो इसका उसमें प्ले ग्रुप में किया जी। लेकिन इतना मतलब अभी जो एक्टिवनेस है और है ये सारी। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी, चलने फिरने में बैठने में क्या स्थिति? सर ये चलता था नाम मात्र का, जैसे यहाँ छोड़ देते दौड़ के जाता था, गिर जाता था। हाँ। पूरा पैर नहीं रखता था। हाँ। एड़ी उठा के ये चलता था। हाँ। बोलता नहीं था ये सही प्रकार से, किसी वर्ड का ये सिर्फ आखिरी अक्षर बोलता था। जब से हम लोगों ने यहाँ से इलाज कराना शुरू किया है भैया से, तब से ये पूरा वाक्य बोलता है, मम्मी खाना दो, मम्मी तेज भूख लगी है, मम्मी दाल चावल दो, ये सब ये बताता। बता दो क्या भूख लगी है? अभी अभी सो के उठा है, मूड नहीं है। जब बैठता था तो धीरे धीरे झुकने लगता था, लेकिन अब नहीं, अब स्ट्रेट स्ट्रेट सीधा है। और रही बात इलाज की, तो बहुत इलाज किया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के साथ, बहुत नामी गिरामी डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन वहाँ तक तो कहना शुरू कि बच्चा आपका चल नहीं पाएगा, एक साइड पैरालिसिस हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा, मतलब इतना सब बातें हो गई थी। और देखो अब तो चल रहा है ये, अब तो मतलब इसका मतलब अभी ये जब से भैया ने इलाज करना शुरू कर दिया तब हम लोग कितने। अच्छा, पहले बात तो ये थी कि आपको पता ही नहीं चला होगा कि सीपी है ये सीपी, और हम लोग सुने ही नहीं थे सीपी क्या होता है। पहली बार इसके बारे में हम लोग ने सीपी शब्द सुना, सेरेब्रल पॉल्सी होता है, ऐसे भी बच्चे होते हैं, ये सब मैंने इसमें देखा है। हाँ। तो अब जाके आपको संतुष्टि है? हाँ, संतुष्टि। हाँ, संतुष्टि। हम लोग इतने संतुष्ट हैं कि भैया समीर भैया वर्दी बेस्ट डॉक्टर हैं।
कि जो डॉक्टर ये कह दे कि तुम्हारा बच्चा चल नहीं पाएगा, उस माँ बाप पे क्या गुजरेंगे। लेकिन भैया ने जो इतना काबिल इसको कर दिया है, हमारा बच्चा पूरे घर में दौड़ता है, खेलता है। अभी एक बच्चा है, और भी है भाई बहन इसके? नहीं, बस अभी ये एक ही है। अच्छा, तो आप दोनों यही रहते हैं या अकेले रहते हैं? हम फैजाबाद में रहते हैं दोनों। यहाँ यहाँ जो ट्रीटमेंट कैसे लिया? 3 दिन। यहाँ 3 दिन। अच्छा, आपने 3 दिन वाला लिया? जी सर, मैंने 3 दिन वाला लिया। मतलब आप यहाँ नहीं रहे हैं? नहीं, आपने केवल 3 दिन यहाँ पर ट्रेनिंग लिया है और फिर घर पे ही आप ही करते हैं ट्रीटमेंट इसका? मैंने भैया से बोला कि मैं आ जाऊँ, भैया बोला तुम कर सकती हो। अच्छा। अपने बच्चे का तुम एकदम सही इलाज कर सकोगी। आज हम अपने बच्चे से बहुत संतुष्ट हैं, भैया की इलाज से भी बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। बहुत बहुत थैंक यू भैया को, अंकल जी को, आंटी जी को, ये लोग बहुत सपोर्टेड हैं, हम लोग बहुत खुश रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बात जो है, ये कह रहे हैं कि 3 दिन यहाँ ट्रेनिंग ली और फिर खुद इलाज जो है किया है, और ये जो रिज़ल्ट है ये इस बच्चे का आपको दिख रहा है। एक माँ ने जो है वो अपना खुद ट्रीटमेंट देकर यहाँ से सीख कर और सीपी बच्चे का इलाज किया है, ये बहुत खुशी की बात है। ये तो इम्पॉसिबल था, इसको भैया ने पॉसिबल बनाया कि ये अपने पैर पे खड़ा हो जाए। आज एडमिशन, पिछले साल जब मैं यहाँ पे नहीं आई थी तो एडमिशन इसको कराई थी स्कूल में, तो मैम मेरे बच्चे को नहीं ली, बोल दिया ले जाओ अपने बच्चे को। लेकिन आज वही मैम इस बच्चे को ले रही हैं, एडमिशन ले रही हैं, एडमिशन ले रही, लाओ आपका बच्चा बहुत अच्छा हो गया है, ये बोलता है, पढ़ता, कुछ पूछिए कुछ भूलता नहीं है, सब बताता, पोएम भी याद किया है। हाँ, ये सुना दो, जोनी जोनी क्या होता है बता दो, वो बता रहे हैं। अभी तो देखो मूड नहीं है, बच्चे को मूड नहीं होता तो इसके साथ जिद नहीं करना है, लेकिन अभी जो है ये सो के उठा है। और हालांकि जो हमारा इंटरव्यू है उसमें ये जो इनकी माताजी बात बता रहे हैं, ये सारी बातें वो हैं कि 3 दिन का ट्रीटमेंट का एक ट्रेनिंग यहाँ पर लिया इन्होंने, बाकी सारा ट्रीटमेंट घर पे किया है। तो मतलब उससे बहुत सारी बातें होती हैं कि एक तो परेशानी नहीं होती आने की, और घर पे ही ट्रीटमेंट हो जाता है तो इनको टेंशन भी नहीं है। तो जैसे मतलब आप ट्रीटमेंट देते हैं तो कितना समय देते हैं इसको? इसको जो घर के काम से सारा जो समय मिल जाता है हम लोग अपने बच्चे को ही देते हैं। इसका थेरेपी करवाना, मैग्नेट लगवाना, उठक बैठक जो भैया बताते हैं सारी क्रिया हम घर पे करते हैं। आप ही करते हैं? हाँ, हम ही करते हैं, इनका तो ऑफिस ही रहता है। आप ऑफिस रहते हैं? हाँ, ये सारी क्रिया हम ही करते हैं। हाँ, घर पे रहते तो इनका भी सपोर्ट रहता है। सही बात है। तो देखिए कि ये जब मिलजुल के आज इतनी स्थिति इस बच्चे की बन गई है, मेरा जो मूल उद्देश्य बताने का ये है कि यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल 3 दिन आप एक ट्रेनिंग ले लेंगे। आप शायद वो 1 दिन की ट्रेनिंग होगी, 1 दिन की ट्रेनिंग में आपको सारी बातें बता देते हैं, फिर आप घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। आप और कोई पेरेंट्स को कोई बात कहना चाहें तो? मैं ही कहना चाहूँगी कहीं और मत जाइए, आइए यहाँ, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा जो हमारे बच्चे को मिला है। ये बात ही सच्ची है कि यहाँ पे जो भैया इलाज करते हैं उसका 10 से 15 दिन पे इम्प्रूवमेंट दिखाई देना शुरू हो जाता है, और कभी बच्चा बैक नहीं होता, सिर्फ आगे ही जाता है। अगर करना है तो मेहनत करिए, यहाँ पर आइए, विश्वास रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, एक नया जीवन मिलेगा, माँ को भी बच्चे को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि अमित भैया बहुत अच्छे हैं, वो हम लोग को एक जीवन दिए। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये पेरेंट्स ने जो है अपने विचार बताए हैं और बच्चे को इन्होंने घर पर एक ट्रेनिंग लेकर ही ट्रीटमेंट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑनलाइन में जो है उसमें कोई आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा ही ट्रीटमेंट हुआ और उसमें फिर बच्चों को इम्प्रूवमेंट भी मिला, ऐसी कुछ बातें जो है आज हम करना चाहेंगे। वैसे 3 डे जो ट्रीटमेंट का जो तरीका है, 3 डे 3 दिन का जो इनका ट्रीटमेंट का ट्रेनिंग का तरीका है वो यहाँ होता है, लेकिन कोरोना काल में आना नहीं हुआ तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट रहा। अभी जो है यहाँ ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन एक जो डिस्टेंस है वो बनाकर ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी वो पेरेंट्स आए हैं जो 3 दिन उन्होंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया था, और अभी जो है वो ट्रीटमेंट उनका हो रहा है और इम्प्रूवमेंट भी है। जी, कहाँ से है? झांसी। अच्छा, आपका बच्चा है, कितने साल का पता चला आपको ट्रीटमेंट इसका की CP है? ये 8 महीने का था। 8 महीने। अभी कितनी उम्र का है? 3 साल का। 3 साल का हो गया। अच्छा, 3 साल की उम्र अभी हो गई, क्या प्रॉब्लम मूल क्या थी इसको? मतलब बैठता था, उठता था, क्या था? कुछ नहीं कर पाता था, पेट के भर लेट, मतलब ऐसे रेंगता था, सरकता था। अच्छा, केवल सरकता था? हाँ, ठीक है। कुछ ऐसे गोद में ले रखा है, ऐसे ऐसे तो रहता था, मगर पेट के भर जैसे बैठ हट नहीं पाता था, झुक नहीं बैठ पाता, पेट भी झुकी रहती। अच्छा, आगे झुकी रहती। अब जैसे कमर एकदम सीधी दिख रही है। जी,
तो अभी जैसे आज की स्थिति में आपने जो इनसे ट्रीटमेंट जो एक ट्रेनिंग ली थी, कब ली थी ये? जी ली थी फरवरी में, ली थी 2020 में, फरवरी में। अच्छा, उस समय की ट्रेनिंग लेके आपने जो है लॉकडाउन में फिर घर पे ही ट्रीटमेंट दिया? एक ही बार आए, फिर नहीं आए, मतलब आप यहाँ नहीं आए थे और घर पे ही किया। हाँ। तो कितनी देर आप ट्रीटमेंट देते थे खुद? आध घंटे की एक्सरसाइज और पौंड डॉन्ड लगाते, आध घंटे की मैगनेट। अच्छा, 2-3 घंटे का था, तो 2-3 घंटे मतलब रोज बच्चे को आपने दिया, उसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट आपको लगा? काफी बैलेंस, तो बहुत है। घुटनों के बल अब चलने लगा है, घुटनों के बल चलता है और 10-20 सेकंड अब थोड़ा हो जाए, बैलेंस करने लगा है। लेकिन जब मोबाइल दो तभी। अच्छा, मोबाइल के खड़े नहीं होंगे। अच्छा, बिना वो तो खैर शर्त होती है बच्चों की, लेकिन ऐसे कॉन्फिडेंस आया है। हाँ, बहुत। और आपको क्या लगता है, पहले जो देखा और आज जो देख रहे हो, बच्चे के इम्प्रूवमेंट में क्या लगता है? बहुत है। अब तो हाथ पकड़ लो तो कदम रखता है, 10 बार कदम रहता था और बस ऐसे रेंगता था। चलिए, ये ऑनलाइन का मतलब कोई डॉक्टर यहाँ नहीं, कोई डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं, घर पे माताओं ने, जो माँ है वो ही ट्रीटमेंट दे रही है, वही डॉक्टर है यहाँ पर, तो उन्हीं को ही जो है बताया जाता है ऐसे ऐसे करना है। तो एक और जो है बच्चा हमारे साथ है, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। बेटे को क्या समस्या थी? बेटे चल नहीं पाते थे, बैठती नहीं थे, बैठ भी नहीं पाते थे, सीधी लेटी रहती थी, गर्दन संभालती थी। अभी आपको जो ऑनलाइन जो मिला था, कब आपने ट्रेनिंग ली थी? लॉकडाउन के पहले लिए थे, जुलाई जुलाई में। जी, जुलाई में लिया था। अच्छा। 19 जुलाई को लिया था, लॉकडाउन में ही लिया था। तो जुलाई के बाद अभी 7-8 महीने हो गए, क्या लग रहा है? बहुत इम्प्रूवमेंट है। बहुत है, बहुत। तो इसका मतलब आपने समय ज्यादा दिया इसको? जी, समय बहुत दिया। अच्छा, बैठती भी नहीं थी, बैठने लगी है, खड़ा होने लगी है, इसका पैर थोड़ा टेढ़ा था वो भी सीधा हो गया, पाँव टिकने, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। क्या बात है, मतलब ये देखिए आप, एक मोटिवेशन ही तो होता है ऑनलाइन में, और क्या होता है ट्रीटमेंट? ऐसा तो है नहीं बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, केवल माताओं को बताया गया कि आपको ऐसे करना है, उन्होंने ऐसा किया और आज ये कह रहे हैं कि खड़ा, मतलब बच्चा खड़ा हो रहा है, देखिए कितना बढ़िया, मतलब 10 महीने में खड़ा, अब 10 का लगभग 6-7 महीने हो, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। तो 8 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट, आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, बहुत संतुष्ट हूं। कोई बिना आए बिना कुछ किए हैं, वहीं का वहीं हो गया। हाँ, वहीं पे। चलिए, तो आप जैसे और भी आपको डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं कि और आगे क्या करना पड़ेगा? और आगे ट्रीटमेंट बोलें कि ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ जी, चलता रहेगा। जी, मतलब आप घर पे ही करते रहे? नहीं, यहाँ पे आए हैं, यहीं पे। अब यहाँ आए हैं, कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? कल तो आए हैं सर। कल आए हैं जी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि अब ऑनलाइन के बाद यहाँ भी लेना चाहिए? हाँ, लेना है, लेना चाहिए, लेना है। उम्मीद है कि मेरा बच्चा यहाँ से चल के जाएगा, 100% आशा है कि चल के जाएगा। जी, अब खड़ा होने लग गया है, बैठने लग गया है, कुछ भी नहीं कर पाते थे, बात भी नहीं समझते, बात बहुत कुछ समझती है अब समझती। जी, समझ भी बहुत बढ़िया नहीं था। हाँ। मतलब कुछ बोलते थे ना तो समझती नहीं थी, रोती थी बहुत ज्यादा, अब रोना उडोना कुछ नहीं है, कुछ भी बोलते हैं समझती है, समझ बहुत बढ़िया हो गया इसका। क्या बात है, ये तो केवल इन्होंने ट्रीटमेंट किया, जबकि बात है, और सीपी बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा बोला जाता है, और ये आप देखिए कि एक माँ ने अपने घर पर ट्रेनिंग लेकर ये ट्रीटमेंट दिया है, अब फुल इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पर ये आए हैं। जी, एक और पेरेंट्स हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगप्पा है। कहाँ से? मैं ये रहने वाला कर्नाटक का, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ अभी जोधपुर में। जोधपुर आर्मी में? आर्मी में जी। अच्छा, बच्चे को क्या समस्या? पहला मतलब बैलेंस नहीं बन पाता, जब से ये थोड़ा शुरू कर दिया ना बैलेंस, मतलब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आपने ऑनलाइन ही सीखा था? ऑनलाइन ही सीखा था जी, ऑनलाइन वीडियो देख के, मतलब हम जैसे घर में जैसे बताया था करवाया ऐसे लगाया, मैग्नेट वगैरह, मैग्नेट वगैरह सर बताया जैसे, वही मतलब वैसे ही लगाया, उसके बाद ये वही थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ उससे लगाने से। कितना इम्प्रूवमेंट मानते हैं पहले से ऑनलाइन? अच्छा, 40% मान लो सर। 40%? अच्छा, मतलब 40% इम्प्रूवमेंट आपने घर पे ही दे दिया? दे दिया, मतलब जैसे इधर आने का लॉकडाउन हो गया ना, मैं मार्च में लिया था पिछले साल, जैसे ऑनलाइन ये लिया था, मतलब लॉकडाउन हो गया ना, नहीं आ पा रहे, उसके बाद ऑनलाइन ही दवाई दे दूंगा सर बोला था, ऑनलाइन मंगा के ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट शुरू किया था। ठीक है, तो अभी जैसे अब ये खड़ा हो रहा है, चल रहा है, ये स्थितियाँ पहले थी या अब हुई है? पहले थोड़ा कम थी, मतलब ज्यादा, मतलब इतना नहीं खड़ा होता था। अच्छा, अब जैसे कॉन्फिडेंस से अलग खड़ा है, अकेला खड़ा है, जैसे अकेले खड़ा हो जाता है, अकेला आराम से खड़ा है, आराम से खड़ा हो जाता है, मतलब इस तरीके की, इस तरीके से पहले इतनी नहीं थी, पहले नहीं, थोड़ा देने के बाद और ज्यादा।
जी अब ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, तो मुझे लगता है आपका इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो अभी नेक्स्ट आपको क्या बताया, यहीं ट्रीटमेंट लेंगी या घर पे ही चलेगा? मतलब अभी मेरे को बताया, अभी इधर आ के मतलब बता दूंगा बोला इधर ही, क्योंकि आप मैं सोचा था पहला आ नहीं सकता, बताया था सर को। अब देख लो आपका बच्चे का भविष्य है, ठीक है, कुछ भी करके आ जाओ करीब। मैं 10 दिन का लीव लेके अभी आया हूँ, अभी देखते हैं सर इधर ही रहना है तो इधर रहेंगे, तो उसका सब ट्रीटमेंट जैसा बोलेगा ऐसे करूँगा जी। तो आप अकेले आए हैं? अकेले आए हूँ। अच्छा, फैमिली वगैरह जोधपुर में ही है। जोधपुर जी। तो आप देखते हैं कि बच्चे का और क्या वो होता है, लेकिन ये देखने को मिला है कि ऑनलाइन में भी एक फ़ायदा जो है वो घर पे बैठे ही ट्रीटमेंट लेकर मिल रहा है। तो इतना भी फ़ायदा मिल जाए तो कहाँ बताइए नुकसान है, क्या कहेंगे? ये ऑनलाइन वाला ठीक है मामला? ऑनलाइन वाला तो ठीक है, मतलब जैसे मतलब हम लोग आके इधर दिखाना जैसे ऐसे नहीं हो पाएगा, जैसे वो तो नहीं है सही, वो तो नहीं सर जैसे वो बोलते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा, 100% तो नहीं हो पाएगा। जैसे ऑनलाइन वो कुछ सर बोलेगा उधर, जैसे सामने हमने सामने होगा तो ऐसे आपको तो इतना पता भी नहीं है ना, ऑनलाइन नहीं, लेकिन फिर भी अगर 5 महीने आपने किया है और इतना ही इतना तो इफेक्ट है, तो मतलब एक फिजियोथेरेपी जैसा तो आपने करी दी। हाँ, करी दी जी। तो बहुत सही है ये बात, ऑनलाइन का जो है ये सही कह रहे हैं कि हम एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत भी करें तो। अब जैसे इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन अब जो है अब नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर फिजिकली लेना अब ज़्यादा ठीक है। संतुष्टि भी नहीं होती, माता पिता को लगता है मैं अकेला क्या ट्रीटमेंट दूंगा, डॉक्टर साहब जो है या जो जानकार है वो दे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको क्या लगता है, ऑनलाइन ही ठीक है या यहाँ भी लेना चाहिए, क्या नहीं लगता? जब बुलाएंगे तो आएंगे, अब वैसे अगर लॉकडाउन का वो होगा तो मतलब कि ऑनलाइन नहीं चलेगा। अच्छा, वरना ऑनलाइन चलेगा। हाँ। तो ऑनलाइन भी ठीक है, चल रहा है ठीक, चलिए। तो ये एक ऑनलाइन का परिचय हमने आपको दिया है जो पेरेंट्स ने लिया है और जो बच्चों के जो एक इफ़ेक्ट जो है नज़र आया है। तो ऑनलाइन भी अब एक नवाचार हो गया है, एक नई बात हो गई है, तो ये आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चा है हमारे साथ जिन्होंने, इनके पेरेंट्स ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी और अपने बच्चे को ट्रीटमेंट खुद ही दिया था, यहाँ से किट इनके पास गया था। तो नाम पूछते हैं, क्या नाम आपका? अभय कुमार। कहाँ से है? सहारनपुर यूपी। यूपी से? हाँ जी। तो अभय कुमार जी, बच्चे को समस्या क्या थी? ये बोलने में प्रॉब्लम थी, चल नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था। खड़ा भी नहीं हो पाता जी? नहीं। अच्छा, और तीन चल नहीं पाता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गिर जाता था। ये सीपी था, ये कब पता चला आपको? ये अक्टूबर में लगा, लगभग 5 महीने पहले। 5 महीने पहले पता चला? हाँ जी। हाँ, अभी उम्र क्या है इसकी? अभी 3 साल के लगभग है। 3 साल, मतलब आपको इसकी 2.5 साल की उम्र में पता चला कि ये सीपी प्रॉब्लम है? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो और कोई ट्रीटमेंट आपने कहीं लिया था या सीधा वीडियो? नहीं, बस डॉक्टर के पास गए, MRI कराई, उन्होंने बोला कि एलोपैथिक में तो कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है नहीं, ठीक है, फिजियोथेरेपी कराते रहो। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा ये आरोग्यम के बारे में, तो मैंने भैया को कॉल किया, उन्होंने बताया हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, लेकिन अभी कोरोना की वजह से वीडियो ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम ऑनलाइन। तो भैया ने किट भेज दी वहाँ पे घर पे, तो वीडियो बना के भेजी कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो 4 महीने होने के बाद अब काफी इम्प्रूवमेंट है, अब खड़ा होने लगा है। खड़ा होने लगा? हाँ जी, एक दो कदम चल भी लेता है। चल भी लेता है। मतलब ये ट्रीटमेंट आपने खुद नहीं दिया, उनकी ट्रेनिंग से? हाँ जी। हाँ जी, खुद नहीं दिया है, हम आए नहीं यहाँ पे, पहली बार आए। फर्स्ट टाइम? हाँ जी। हाँ जी, देखिए ये फर्स्ट टाइम आए ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके, और कितना इम्प्रूवमेंट, एक डॉक्टर बन गए ये, मतलब अपने बच्चे का तो ये डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट है बच्चे को लिया है, और बच्चे को कितना और लाभ, मतलब जैसे बोलने में, चलने में? बोलने में अब बोलने लगा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, मम्मी बोलने लगा है। हाँ जी, कॉन्फिडेंस आया, पहले खड़ा होते टाइम डरता था बहुत ज़्यादा, अब डरता नहीं है बिल्कुल भी, चलता है। तो आप दोनों में से कौन देता है ट्रीटमेंट? आप देते हैं? आप देते हैं जी। तो ट्रीटमेंट देते हैं तो फर्स्ट डे और आज के दिन में कितना अंतर लग रहा है? जी बहुत ज़्यादा अंतर है। अच्छा, ये ना बैठता भी था तो बेंडिंग था। अच्छा अच्छा, अब बिल्कुल स्ट्रेट बैठता है। स्ट्रेट बैठा, अभी बैठा है सामने जी, और खड़ा भी नहीं होता था। अच्छा, अगर कुछ पकड़ के खड़ा होता था तो तब भी डरता था। अच्छा, अब खड़ा भी होता है और चल भी लेता है। अच्छा, 5-7 कदम चल लेता है। 5-7 कदम चल जाए जी। तो देखिए ये ऑनलाइन बिना यहाँ आए, बिना डॉक्टर के पास आए, ये ऑनलाइन का फ़ायदा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कोई बहुत दूर है तो वो ऐसा भी जो लाभ है वो ले सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर जो है वो तो रहते ही हैं, और आप व्हाट्सएप पे और पे भी ज्वाइंट हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आप लगा, और आज फर्स्ट टाइम आप आए, फर्स्ट डे आए, यहाँ रहे बिना आपने ट्रेनिंग ली है, ट्रीटमेंट दिया है, तो ये तो और ही अच्छी बात है। और हमें मतलब ये बड़ा अच्छा लगता है कि वीडियो देख के लोग अपने बच्चों को, सीपी चाइल्ड को जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपने हमारे वाले वीडियो देखा? आपके टीवी चैनल का ही वीडियो देखा था हमने जी, सब्सक्राइब किया, फिर उसे वीडियो देख रहे हैं हम कंटिन्यू उसके अभी भी। अच्छा, और भी वीडियो? हाँ जी, और भी वीडियो आती है आपकी तो। चलिए बहुत बढ़िया है, तो चलिए आपको और भी बहुत सारे लाभ मिले ऐसी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।